धमाकेदार जीत के साथ आरसीबी ने जीवंत रखी प्लेऑफ की उम्मीदें। वेट वेट वेट, क्या हम इसको धमाकेदार जीत कहेंगे? क्योंकि एक वक्त तक तो ऐसा लगने लगा था कि एक विकेट और मुकाबला जीटी के फेवर में जा सकता है। कोहली और डुप्लेसिस ने जो मेहनत किया था पावर प्ले के ओवरों में, वो भैया पानी में डूब सकता है, उस पर पानी फिर सकता है। लेकिन दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने इंश्योर किया कि धमाकेदार जीत आए ही आए आरसीबी के झोली में और प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रहे। धमाकेदार इसको जीत कहेंगे क्योंकि 6 ओवर में 92 रन बनाना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का शुरुआत स्टेज में आरसीबी के बल्लेबाजों ने दिया। खासकर कोहली और डुप्लेसिस की जितनी प्रशंसा कर लें उतनी कम है, और डुप्लेसिस और कोहली ने यहां पर दिखाया कि इनके अंदर क्या क्षमता है, ये क्या कुछ कर सकते हैं इस टीम के लिए और किस तरीके से पावर प्ले के ओवरों का उपयोग कर सकते हैं, खासकर फाफ डुप्लेसिस। आरसीबी का अगर इस संस्करण में ये हाल है, अगर वो 7वें स्थान पर अपने आप को पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो वो खुद कप्तान फाफ डुप्लेसिस है, क्योंकि कप्तान फाफ डुप्लेसिस पिछले संस्करण में बहुत रन बनाते हुए दिखे थे। पावर प्ले के ओवरों में उन्होंने जमकर प्रयोग किया था, खूब रन बनाए थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए थे, और आज हमें डुप्लेसिस का रौद्र रूप देखने को मिला है। आज वो पुराने डुप्लेसिस नजर आ रहे थे जो भैया बढ़ चढ़कर इन एंड आउट होकर चौके और छक्के लगाते हैं, दिल को सुकून पहुंचता है उनके शॉट्स को देखकर, और आज डुप्लेसिस नजर आए। अगर हम डुप्लेसिस के स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाएं तो वो 278.26 का है, अभी शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। और डुप्लेसिस ने साउथ अफ्रीकन टीम को भी ये बताया है, ये दिखाया है, जताया है कि एक बार आप कंसीडर कर सकते हो मुझे, बतौर ओपनर मैं कहीं से एक खराब विकल्प नहीं हूं। वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें तो आज कोहली ने दिखा दिया कि भैया आप उनको भी बतौर ओपनर कंसीडर कर सकते हो T20 वर्ल्ड कप में और अपना समीकरण बदल सकते हो। जी हाँ, वहां पर चीजें कठिन हो रही हैं, वहां पर शिवम दुबे कैसे एडजस्ट हो, अक्षर पटेल कैसे एडजस्ट हो, विराट कोहली को अगर ओपनिंग स्लॉट पे एडजस्ट कर दिया जाए तो चीजें T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में सही बैठ सकती हैं भारतीय टीम के लिए। और आज की पारी ये दर्शाती है कि विराट कोहली पूरी तरीके से कैपेबल हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो पावर प्ले के ओवर में खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तेज गेंदबाजों का फायदा उठा सकते हैं, उनके ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और वो किसी भी युवा खिलाड़ी से कम नहीं है, चाहे यशस्वी हो, चाहे ईशान हो, चाहे हम किसी भी इस समय यंग गन की बात कर लें, उससे बेहतर आपको कोहली दिखेंगे क्योंकि अनुभव अपार लेकर आएंगे। उसके अलावा अब स्ट्राइक रेट भी उनका 150 के ऊपर हर मुकाबले में रह रहा है। तो आज काबिले तारीफ बल्लेबाजी हुई, लेकिन 6 ओवर के बाद आरसीबी डगमगाई। 6 ओवर के बाद वो 117 पे 6 हो गए थे, 92 पे 1 से भैया वो स्थिति आरसीबी की नजर नहीं आई जो भैया लग रहा था कि एक तरफा अंदाज में अब 8 या 10 ओवर में आरसीबी मुकाबला खत्म कर लेगी और यूं नेट रन रेट उनका एक्सीलरेट हो जाएगा, आसमान छू जाएगा और वो प्लेऑफ में काफी आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो जान रहे थे कि यहां पर अगर हम धमाकेदार जीत अर्जित करते हैं, अगर हम अपने नेट रन रेट में इजाफा करते हैं तो प्लेऑफ में बरकरार रहेंगे, और वो बरकरार हैं, 7वें पायदान पर आ चुके हैं। गुजरात अब लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुका है क्योंकि 14 पॉइंट तक वो भी पहुंच सकते हैं, मगर नेट रन रेट उनका बहुत निगेटिव चला गया। लेकिन इस धमाकेदार जीत के साथ आरसीबी के नेट रन रेट में सुधार आया है और वो अब लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। वो 14 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अगर क्वालिफिकेशन 14 तक हुआ तो आरसीबी अपने सारे मुकाबले जीत जाती है तो फिर चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। यानी कि डीसी हो, आरसीबी हो, सीएसके हो, ये सारी टीमें अपना प्रयास कर रही हैं, भरसक प्रयास कर रही हैं। अप्स एंड डाउन किसी बड़ी टीम का हुआ तो फिर ये दावेदारी टॉप 4 में ठोक देंगी। बात करें आज के मुकाबले की तो भैया गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखा, लेकिन वहां पर वो फायदा नहीं उठा पाए, उनकी बल्लेबाजी कॉज ऑफ कंसर्न रही है इस संस्करण में। वहां पर कोई भी जमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, खासकर कप्तान शुभमन गिल का जो फेलियर है टॉप ऑर्डर में, उसका भुगतान भुगतना पड़ा है गुजरात टाइटंस को इस संस्करण में। वो रन नहीं बना है जिस कारण से गुजरात टाइटंस अपने गेंदबाजों को कुशन किसी भी मुकाबले में नहीं दे पाया। वहां पर देखेंगे तो साहा ने 1, शिवमन गिल ने 2, साई सुदर्शन ने 6, शाहरुख खान मिलर ने जरूर उपयोगी पारी खेली 37-30-35 रनों की, लेकिन वो काम की नहीं रही क्योंकि चिन्ना स्वामी के पिच पर अगर आप 147 रन मात्र बनाते हो तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है।
सिराज के नाम 2 विकेट रहा, यश दयाल के नाम 2, 1 विकेट ग्रीन के, 1 विकेट विजय कुमार व्यस्त के नाम रहा। अगर हम आरसीबी टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो 92 पे 1 6 ओवरों के नुकसान पे बन गए थे। कोहली ने 42, डुप्लेसिस ने 64, मात्र 23 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्के लगाए। जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट अपने नाम किया तो नूर अहमद ने 2 विकेट। दिलचस्प मुकाबला दोनों ही गेंदबाजों ने बनाया था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इंश्योर किया कि भैया कुछ ज्यादा फेरबदल न हो और मुकाबला आरसीबी ही जीते। नेट रन रेट में जरूर इजाफा हुआ है, देखना दिलचस्प रहेगा कि आरसीबी कितना दूर जा सकती है, क्या वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, क्योंकि भरसक प्रयास उनके प्लेयरों द्वारा इस वक्त हो रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।